जी हाँ जी मौलू साहब, बताएं कि टीटीओ पार्टियों के बारे में आजकल दुनिया में नौजवान कर रहे हैं टीटीओ पार्टियों के बारे में। हाँ जी मौलू साहब बताइए, टीटीओ पार्टियों के बारे में आप क्या बताने वाले हैं? अस्सलाम वालेकुम दोस्तों भाई, बात ये है कि टीटीओ पार्टियाँ ये जो सबसे बड़ा पाकिस्तान में एक मसला बना हुआ है, ये एक फितना बाहर से आया हुआ है, ये हमारा मुसलमानों का नहीं है। तो इससे थोड़ा बात ये, लोग इसको फैशन समझते हैं लेकिन ये फैशन नहीं है, इससे बड़ा बेहयाई फैलता है ना, तो ये एक गुनाह का ज़रिया बन जाता है। तो हमारा ये तुम्हारे से एक दरख्वास्त है, मैं गुजारिश करूँगा तारा भाई से कि भाई इससे थोड़ा बच जाओ ताकि तुम्हारा ईमान की सलामती हो जाए, ताकि तुम्हारा गुनाह से बच जाए, तुम अच्छे रास्ते पे आ जाए। और ये भी कह रहे हैं कि टीटीओ पार्टियाँ आज से मत बनाएं। हाँ देखो भाई, बात ये है अगर तुम टीटीओ पार्टी बनाना भी चाहते हैं तो तुम कुछ ऐसा उसमें अच्छा चीज़ बना लो कि दूसरे को अच्छा चीज़ मिल जाए, उसको सबक मिल जाता है, उसमें कोई नसीहत मिल जाता है, उसमें कोई तिलावत आ जाता है, जो तुम्हारा अच्छा चीज़ तुम्हें पसंद आ जाए वो उसमें डालो, उसके अंदर गाना हो गया, म्यूजिक आ गया, ये वाला चीज़ ऐसा मतलब टूटे पार्टी नहीं चलाओ। हाँ टूटे पार्टी जो है वो तुम नहीं चलाओ। गुड हो गया जी।